अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं सैयद अली और आप देख रहे हैं सब कुछ सीखो यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, नबी करीम हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, 11 तरह की औरतों से अल्लाह मोहब्बत फरमाता है। तो दोस्तों, वो 11 औरतें कौन सी हैं आगे हम आपको वीडियो में बताएंगे। दोस्तों, इसके साथ साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि हज़रत अली ने फरमाया, औरत की नींद ख़राब करने से क्या होता है, जो लोग अपनी बीवी की नींद ख़राब करते हैं तो उनके साथ क्या होता है। साथ ही साथ दोस्तों, हम आपको 7 ऐसी बातें बताने वाले हैं जो कोई भी बीवी अपने शौहर के सामने कभी ना करे, कभी ना बोले। और दोस्तों, इन सब के साथ साथ हम आपको बताएंगे कि नबी करीम हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, 5 बातें इंसान को कामयाब कर देती हैं। प्यारे दोस्तों, सब कुछ बताएंगे, बस आप इस वीडियो को आखिर तक देखते रहिए। वीडियो शुरू करने से पहले, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें। इस वीडियो को लाइक भी ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके अपने कुछ करीबी लोगों तक ज़रूर पहुँचाएँ। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। नंबर 1, नबी करीम हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जन्नत में लोग अल्लाह का दीदार करने के लिए ख्वाहिशमंद होंगे, लेकिन जो औरत दुनिया में पर्दे की हालत में रही होगी, ऐसी औरतों के दीदार के लिए अल्लाह खुद ख्वाहिशमंद होगा। नंबर 2, नबी करीम हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ऐसी औरत भी अल्लाह को बहुत पसंद है जो अपने शौहर का कहना मानती है, जो अपने शौहर की फरमा बरदारी करती है, ऐसी औरत से अल्लाह बहुत मोहब्बत करता है। नंबर 3, नबी करीम हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो औरत अपने आप को गैर मर्द की निगाह से बचाएगी तो ऐसी औरत पर अल्लाह जहन्नुम की आग हराम फरमा देगा, और जो औरत खुशबू लगाकर गैर मर्दों के सामने से गुज़रती है, ऐसी औरतों पर अल्लाह की लानत होती है। नंबर 4, नबी करीम हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो पाक दामन औरत नमाज और रोज़ों की पाबंदी करे और जो अपने शौहर की खिदमत करे, तो ऐसी औरतों के लिए जन्नत के 8 दरवाज़े खोल दिए जाते हैं। नंबर 5, नबी करीम हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिस औरत से उसका शौहर राज़ी हो और वो इंतकाल कर जाए तो अल्लाह ऐसी औरत पर जन्नत वाजिब कर देता है। नंबर 6, नबी करीम हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह को ऐसी औरत भी बहुत पसंद है जो झूठ ना बोलती हो, चुगली ना करती हो, गीबत ना करती हो और फितना फसाद ना करवाती हो, अल्लाह ऐसी औरत से बहुत मोहब्बत फरमाता है। नंबर 7, नबी करीम हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो औरत इस दुनिया में पाक साफ़ रहने का एहतमाम करती है, और ख़ासकर वो औरत जो हैज के वक्त में पाक साफ़ रहती है, पाक साफ़ रहने का ख्याल करती है, तो अल्लाह ऐसी औरत से भी बहुत मोहब्बत फरमाता है। नंबर 8, हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिस घर में लड़कियां होती हैं उस घर में आसमान से रोज़ाना 12 मरतबा रहमतें नाजिल होती हैं और फरिश्ते उस घर की ज़ियारत करते हैं। नंबर 9, हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तुम्हारी औरतों में सबसे अच्छी वो औरत होती है जो अपनी इज्जत दूसरों से महफूज रखे और शौहर को दिल और जान से चाहने वाली हो। नंबर 10, हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, वो औरत बहुत खुशनसीब हुआ करती है जिसकी पहली औलाद बेटी होती है। नंबर 11, नबी करीम हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ऐसी औरत से भी बहुत मोहब्बत फरमाता है जो अपने गुस्से को पी जाती है और दूसरों के कसूरों को माफ़ कर देती है। बेशक अल्लाह माफ़ करने वालों को पसंद फरमाता है और अल्लाह ऐसे लोगों से मोहब्बत फरमाता है। दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं कि हज़रत अली ने फरमाया, औरत की नींद ख़राब करने से क्या होता है,
बीवी की नींद ख़राब कभी नहीं करना। हज़रत अली की एक मर्तबा एक शख्स ने दावत की। बहुत इसरार के बाद जब हज़रत अली अलैहिस्सलाम उस शख्स के घर पहुँचे तो उसकी बीवी आराम कर रही थी और उसने ये चाहा कि मैं फ़ौरन जाकर अपनी बीवी को जगाऊं। तो हज़रत अली ने फरमाया, ऐ शख्स, मैंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से सुना कि मोमिन का नींद करना भी इबादत है और इबादत में खलल पैदा करना शैतान का काम है। तुम्हें क्या पता कि इस वक्त तुम्हारी बीवी किस तरह थक कर सोई हो। अल्लाह ऐसे इंसान पर लानत भेजता है जो इंसान के आराम में खलल पैदा करता है, अपने किसी काम के लिए इंसान की नींद ख़राब करता है। अल्लाह को ऐसे इंसान पसंद हैं जो दूसरों का ख्याल रखते हों, अपने नफ्स की ख्वाहिश के लिए दूसरों को जहमत नहीं देते। मैंने अपनी आँखों से देखा कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जानवरों तक की नींद ख़राब नहीं करते थे और तुम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर अमल करने वाले हो। तुम इंसान की नींद ख़राब कर रहे हो, इंसान का आराम ख़राब कर रहे हो। याद रखना, रोज़े महशर वो लोग अलग खड़े होंगे जो चाहते ना चाहते हुए भी इंसान को जहमत देते हैं। जहाँ तक हो सके अपना काम खुद किया करो, अपने वजूद से किसी को तकलीफ़ ना दिया करो। अगर अभी तुम आराम कर रहे होते और तुम्हारी बीवी तुम्हें जगाती तो तुम्हें कैसा लगता। मोमिन वो है जो जैसा खुद के लिए पसंद करे वैसा ही सबके लिए पसंद करे। फिर हज़रत अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मुझे अपने घर का पानी पिलाओ। वो फौरन हज़रत अली के लिए पानी लेकर आया। हज़रत अली ने जैसे ही उसके घर का पानी पिया तो अल्लाह के दरबार में हाथों को उठाया और दुआ करने लगे और फरमाने लगे कि अल्लाह गवाह है, मैंने तुम्हारी दावत कबूल की। दोस्तों, अब हम आपको वो सात बातें बताते हैं जो कोई भी बीवी अपने शौहर के सामने कभी ना करे। नंबर एक, बीवी अपनी आवाज़ को अपने शौहर के सामने कभी बुलंद ना करे, क्योंकि ऐसा करने से शौहर के दिल में बीवी के लिए मोहब्बत कम हो जाती है। नंबर दो, बीवी किसी दूसरे मर्द की तारीफ अपने शौहर के सामने बिल्कुल ना करे, क्योंकि ये बात भी शौहर को पसंद नहीं कि उसकी बीवी किसी दूसरे मर्द की तारीफ उसके सामने करे। नंबर तीन, शौहर के सामने उसके वालदैन भाई और बहनों की बुराई हरगिज़ ना करे, ये चीज़ भी मोहब्बत कम कर देती है। नंबर चार, बीवी अपने शौहर को कभी भी बेइज्जत ना करे, हमेशा उसकी इज्जत करे, उसका एहतराम करे और उसको प्यार दे। नंबर पाँच, शौहर अगर किसी जायज़ चीज़ को करने का हुक्म दे तो बीवी इनकार ना करे, क्योंकि इस तरह बीवी के लिए शौहर के दिल में मोहब्बत पैदा होती है, शौहर उससे और भी ज़्यादा मोहब्बत करने लगता है। नंबर छः, बीवी शौहर की आमदनी से ज़्यादा कभी भी तलब ना करे, कभी भी कोई ऐसी मांग या डिमांड ना करे जो शौहर पूरी ना कर सके, क्योंकि ऐसा होने से उनके बीच में तलखियां हो जाती हैं। नंबर सात, बीवी कभी भी दूसरी औरतों की पर्दे वाली बातें अपने शौहर के सामने कभी ना करे, क्योंकि ऐसा करना भी मायूब है, गलत है। दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं नबी करीम हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया पांच बातें इंसान को कामयाब कर देती हैं। नंबर एक, हया। दोस्तों, हया मुसलमानों के लिए एक ऐसा कीमती जेवर है, जिस मर्द या औरत में हया का जौहर होगा वो बहुत सारे ऐबों से बच जाएगा। नबी करीम हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि हया दरख्ते ईमान की एक बहुत बड़ी शाख है। नंबर दो, हिल्म। गुस्से को बर्दाश्त कर लेना और गुस्सा दिलाने वाली बातों पर गुस्सा ना करना, इसको हिल्म कहते हैं। ये मुसलमान की बहुत ही बुलंद आदत है, ये आदत रखने वालों को अल्लाह बुलंद दर्जात अता करता है। नंबर तीन, खुश अखलाकी। एक हर एक के साथ खुशी से पेश आना, ये पैगंबराना खसलत है जिसके बारे में नबी करीम हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि यकीनन तुम सब मुसलमानों में सबसे ज़्यादा मुझे वो शख्स महबूब है जिसके अखलाक अच्छे हों। नंबर चार, सफाई सुथराई। ये मुबारक आदत सभी मुसलमानों के लिए नहायत ही बेहतरीन खसलत है, जो इंसान के सर का एक बहुत ही कीमती ताज है। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को
हुआड़ और मैले कुचैले रहने वाले लोगों से बेहद नफरत थी। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपने सहाबा इकराम को हमेशा सफाई सुथराई का हुक्म देते रहते और इसकी ताकीद फरमाते रहते। नंबर 5, रहम करना। खुदा की हर मखलूक, इंसान हो या जानवर, अगर वो रहम के काबिल हो तो उन पर रहम करना और उनके साथ मेहरबानी व शफकत का सलूक और बर्ताव करना, ये इंसान की बेहतरीन खसलत और आला दर्जे की काबिल तारीफ आदत है। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रहम करने वालों पर रहमान रहम फरमाता है। ऐ लोगों, तुम रहम वालों पर रहम करो तो आसमान वाला तुम पर रहम फरमाएगा।